नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पार्टीज का सेशन में। और आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में बताऊंगी। यानी कि भारत का संविधान है जो अनेक देशों के संविधान से मिश्रित संविधान है। तो किस देश से किस तत्व को लिया गया और कितने तत्व को लिया गया और कुल कितने देश से कितने तत्व को लिया गया, ये बताऊंगी। तो अमेरिका के संविधान से 8 तत्वों को लिया गया। ऐसे बता दूं कि कुल दस देशों के संविधान से हमारा जो संविधान में तत्व है उस तत्व को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से 8 तत्वों को लिया गया। कौन कौन? प्रस्तावना के शब्द, यानी प्रस्तावना के शब्द में जैसे हम भारत के लोग जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही आएगा प्रस्तावना के शब्द। और सेकंड है मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। थर्ड है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा और न्यायिक पूर्ण विलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसके पद से कैसे हटाया जाए, इसका जो प्रोसेस होता है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाया जाता है तो उसके ऊपर एक महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, यानी PIL, और उपराष्ट्रपति का पद, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रिटेन के संविधान से कितने तत्वों को लिया गया और कौन कौन से तत्व को लिया गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से कुल 8 तत्वों को लिया गया और अमेरिका के संविधान से भी कुल 8 तत्वों को लिया गया था। कौन कौन तत्व को लिया गया? विधि का शासन, यानी यहाँ विधि के द्वारा शासन चलाया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत का जो व्यवस्था होगा वो संसदीय शासन व्यवस्था होगा। ये जो रूल है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप, यानी यहाँ का जो नागरिक होगे वो सिर्फ भारत के नागरिक होगे, ना कि किसी प्रांत का जो उसमें वो रह रहे हैं। और द्विसदनीय व्यवस्था, यानी यहाँ पे द्विसदनीय प्रणाली होगा, एक केंद्र स्तर पे सरकार और एक राज्य स्तर पे सरकार। विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर निर्णय, यानी जिस दल का यहाँ पे अधिक वोट आएगा वही दल को विजय होगा, ये सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर निर्णय से पता चलता है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, यानी विधायिका में एक अध्यक्ष होगा, ये भी रूल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को यहाँ पे विशेष अधिकार दिया गया है। ये जो 8 रूल है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से कुल 5 तत्व को लिया गया है, जैसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसका फर्स्ट तत्व है। शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। थर्ड है राज्यों में राजपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति, यानी राज्यों में एक राजपाल होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र स्तर के जो सरकार होता है यानी राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बिल्कुल परामर्श होगा यानी ठोस होगा। और संघात्मक विशेषताएँ, ये 5 तत्वों को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से कितने तत्वों को लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से कुल 3 तत्वों को लिया गया। कौन कौन? राज्य के नीति निदेशक तत्व को, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होने का प्रोसेस है वो कौन मीन्स कैसे कैसे है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा में कितने सदस्य होगा उसका नामांकन करने का जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुल 3 तत्वों को लिया गया। कौन कौन? इससे भी कुल 3 तत्वों को लिया गया। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन की बैठक होगी संसद में, ये रूल को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो हम लोगों ने 2 देशों के संविधान से लिए गए तत्वों को देखे,
अब आगे आएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कितने तत्वों को लिया गया और कौन कौन से तत्वों को लिया गया, और भी विभिन्न देशों के जो संविधान है उससे कितने तत्वों को लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो तत्वों को लिया गया, कौन कौन? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में जो संशोधन होता है वो जो प्रक्रिया होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से भी दो तत्वों को लिया गया है, कौन कौन? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगा, भारत एक गणराज्य होगा, ये प्रक्रिया फ्रांस का संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कुल दो तत्व और फ्रांस के संविधान से कुल दो तत्वों को संविधान में लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे रूस के संविधान से कुल कितने तत्वों को लिया गया। तो रूस के संविधान से भी दो तत्वों को लिया गया, कौन कौन? मूल कर्तव्य को और प्रस्तावना में न्याय का दर्श को रूस के संविधान से लिया गया। अब जर्मनी के संविधान से कुल एक तत्व को लिया गया, कौन? आपातकालीन उपबंध, यानी देश में आपातकाल लागू होने की प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से भी एक तत्व को लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि कुल 10 देशों के संविधान से कितने तत्वों को लिया गया है, और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और देखकर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।